छत्तीसगढ़ कोरिया चिरमिरी पत्रकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वाले युवक के डी महत तथा अरुण विश्वकर्मा के खिलाफ क्षेत्र भर से पत्रकारों ने एकजुट होकर चिरमिरी थाना में शिकायत की है। साथ ही साथ थाना प्रभारी को शिकायत पत्र सौंपकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने तथा पत्रकार की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की पत्रकारों ने की है मांग। नगर निगम चिरमिरी महापौर बंगले की खबर छापने के चर्चित मामले को लेकर युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं व साथ ही साथ पत्रकारों को भड़काने का जिम्मेदार एक पत्रकार को बताते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उक्त पत्रकार की कार्यशैली तथा चरित्र पर उंगली उठाई गई है। इसे लेकर क्षेत्र के पत्रकारों ने बैठक बुलाई व इस तरह की घटना आगे भविष्य में न हो इसे रोक लगाने हेतु युवक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने की शिकायत की है। देखें पूरी खबर आईबीएम 24 न्यूज पर देवेंद्र सिंह के साथ। मामला था कि मामलों के लेके आज आप थाने आए हैं पूरी पत्रकारी में। मुझे रात्रि में करीब 10:30 बजे मेरे मित्रों के द्वारा फोन पर बताया गया कि आपके साथ आपके फेसबुक पर अभद्र भाषा का आपके प्रति इस्तेमाल किया जा रहा। मैं असहमति जिसको है मेरे पत्रकारिता से मेरे समाचारों से, परंतु उनको इतनी अभिव्यक्ति नहीं है कि मेरे प्रति मेरे चरित्र पर उंगली उठाएं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें। मैं पुलिस से अभी शिकायत किया हूँ, तभी अपने पत्रकार साथियों के साथ में वो कानूनी कार्रवाई कर रही। पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम उनके प्रति कार्रवाई करेंगे। कब तक की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया? हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। आज मैं ही एक खबर को लेकर के सोशल मीडिया में पत्रकार को अभद्र टिप्पणी की गई है, उसमें क्या धारा लग सकती है और आईटी एक्ट के तहत क्या हो सकता है? देखिए, मैं जैसा सोशल मीडिया में ही देखा, किसी व्यक्ति ने किसी पत्रकार को अपमानजनक कुछ बातें लिखी हैं और ये बाहर भी निकल के आया, बहुत से लोग देखे हैं। देखिए, जो बातें लिखी गई है वो स्पष्ट रूप से मान हानिकारक है, इस कारण इसमें अपमानजनक होने के कारण मान हानि से संबंधित जो धाराएं हैं वो लगेगा। इसके साथ ही चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहा गया है, लिखा गया है, इसके कारण से इसमें आईटी एक्ट भी लगेगा और आईटी एक्ट गंभीर अपराध है, इसमें निश्चित रूप से दंड का प्रावधान है और बहुत मोटी राशि का अर्थदंड भी हो सकता है। अभी जैसे हाल में ये कानून में जाकर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आईटी एक्ट धारा खत्म कर दी गई है, तो क्या कितने तक सही है क्या? नहीं, आईटी एक्ट सन 2000 में बना, उसकी धारा 66A केवल इसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया है, बाकी आईटी एक्ट पूरी तरह काम कर रहा है और उसका फंक्शन अभी गाहे बगाहे होता रहता है। सर, ये पत्रकारों के पक्ष में टिप्पणी किया गया, इस विषय पे क्या कहेंगे और ये कब तक उनको गिरफ्तार किया जाएगा? चौधरी का एक ऐसी शिकायत प्राप्त हुआ है जिसको जांच में रखा गया है, मामला असंगीय है और न्यायालय से संबंधित है, मानहानि से संबंधित है, इसलिए न्यायालय से आदेश प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे उद्दंडी व्यक्ति को कब तक पुलिस हिरासत में लेगी? जांच पूरा होते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जांच तो स्पष्ट रूप से फेसबुक में दिख रहा है, इसके बाद उसका एक प्रति आपको संलग्न भी किया गया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं लिखा है, वो उसके शब्दों द्वारा ही लिखा है, उसके आईडी द्वारा ही लिखा गया है। ये मामला है मानहानि से संबंधित, उसके पत्रकार के ख्याति सम्मान से संबंध से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इससे माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके तुरंत कौन कौन सी धाराओं के तहत इसमें कार्रवाई होगी, जरा अदालत से आप इसकी जानकारी लेते हैं। 66A के तहत होता है और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने 66A को जो है अभी रद्द कर दिया। तो ये माना जाए कि आईटी एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई नहीं होगा, चूँकि जब आप बता रहे हैं वो रद्द हो चुका है, तो आईटी एक्ट के तहत मामला नहीं बन रहा है? मानहानि से संबंधित कार्रवाई
उसमें एक सप्ताह का समय दिया गया है। हम जानना चाहते हैं कि एक हफ्ता में एक सप्ताह के भीतर ऐसी क्या कार्रवाई होगी जिससे कि पत्रकार जन संतुष्ट हो पाएंगे। क्योंकि आगे भी इस तरह की कोशिश की जा सकती है, इसको भी ध्यान में रखते हुए किस तरह की कार्रवाई, मैं उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी।